ये यहाँ पे काजू डाल रहे हैं इसमें। ये देखो धीरे धीरे हमारा हलवा तैयार हो रहा है। टेक्सचर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, पहले बहुत ही लाइट था, सूप की तरह दिख रहा था। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा हलवा डन हो चुका है। तो यहाँ पे 2 किलो सूजी का हलवा बन रहा है, यहाँ पे इन्होंने डाला है 2 किलो देसी घी। चलिए भैया, और हलवा बना रहे हैं यहाँ पे हमारे राम कुमार आगरा वाले भैया। ये देखिए अभी इन्होंने इसमें सूजी डाल दिया, अभी इसे भुनेंगे भैया। कितनी देर तक भुनेंगे ये? 15 से 20 मिनट तक इस सूजी को भुनेंगे। और ये हलवा हमें बनाना सिखा रहे हैं, जैसे आप घर में बनाते हैं सूजी का हलवा वो बन नहीं पाता है जैसा हम स्मूथ चाहते हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ऐसा इसमें क्या बनाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी वो स्मूथ और एकदम मुलायम सा बनता है। ये रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा भाई, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जो चाहता है सूजी का हलवा बनाना एकदम मुलायम और स्मूथ। और अगर आपको कहीं भी काम करवाना है दिल्ली में, कुछ भी कैटरिंग से रिलेटेड कुछ भी काम है, शादी पार्टी कुछ भी है, तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं, टेस्टी खाना, क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, और प्राइस भी आपको हर जगह से कम ही मिलेगा इनका। तो इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर आपको मिल जाएगा। तो भैया अब इसे हिलाते रहना पड़ेगा, तो जितनी देर भी आप इसे भूनोगे, शुरू के 10 मिनट तक आपको करछी चलाते रहनी है ताकि सूजी नीचे चिपके ना, करछी को चलाते रहना है। तो आपको इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है, करछी चलाते रहनी है, और आँच जो इसकी रहेगी वो मीडियम रहेगी, ना ज़्यादा रहेगी ना कम रहेगी, मीडियम आँच में आपको इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। तो आपको दिख रहा होगा इसका कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया, जो सूजी हमने डाली थी शुरू में सफ़ेद थी ये, और अब ये हल्की हल्की ब्राउन होने लग गई है। धूप की वजह से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इसका कलर सही तरीके से, लेकिन ये धीरे धीरे ब्राउन होने लग गई है सूजी। जैसे जैसे आप इसे भूनते जाओगे उतना उसका गाढ़ा कलर आता जाएगा। तो ये देखो 10 से 15 मिनट सूजी भूनने के बाद ये ऐसा आ जाएगा, इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी कितनी डालेंगे भैया? 2 किलो सूजी के हिसाब से 3.5 किलो चीनी इसमें डालेंगे। तो पूरी चीनी भैया अभी डालनी पड़ेगी या थोड़ी बाद में डालेंगे? नहीं, तो 3.5 किलो चीनी इन्होंने एक ही साथ डाल दिया शुरू में ही। अब इसको भूनेंगे ये अच्छे से। ये कितनी देर तक भूनेंगे भैया? अच्छा, इसको मिलाएंगे अच्छे से, और उसके बाद इसके बाद पानी डलेगा। ये देखिए पानी डाल दिया, और पानी कितना जाएगा भैया इसमें? 8 लीटर इसमें पानी जाएगा। तो आप घर में अपने हिसाब से देख लेना कैसे आप कितना, आपको कितने लोगों के लिए बनाना है उस हिसाब से पानी डालना। और भाई हलवा उसी का अच्छा बनेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मजाक कर रहा था मैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से स्टेप में इन्होंने क्या चीज़ मिलाई है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो ये भैया इसमें थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं, ऑरेंज कलर डाला है भैया? ये 2 डब्बी जो आती हैं छोटी छोटी, ये इन्होंने डाला है इसमें। तो इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि इन्होंने इसमें डाला है 1 चम्मच ऑरेंज कलर और आधा चम्मच लाल कलर, और ऊपर से आप जैसा अपना चाहे उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हो। इन्होंने इसमें किशमिश डाला है, और ये क्या है भैया? ये चिरौंजी डाल रहे हैं 2 मुट्ठी। ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर है, आपकी जेब के ऊपर है, कैसे आप रखना चाहते हो। अगर आप अच्छी पार्टी हो, मोटी पार्टी हो, तो अच्छे सारे खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। और हाँ, एक टिप देना चाहता हूँ आपको, जब आप चीनी डालोगे तो उस टाइम को आपको गैस बंद करनी है, और फिर जब चीनी डाल दोगे उसके बाद गैस को ऑन करना, और मीडियम आंच में ही इसको पकाना है। ये देखिए बड़ी मुट्ठी डाल दिया इन्होंने इलायची पाउडर। तो ये सारी चीज़ें आपको भी डालनी है अगर आप चाहते हो कि आपके घर में हलवा जो है वो एकदम हलवाई स्टाइल में बने, तो और इतनी ही क्वांटिटी में डालना। तो भैया आप कितनी देर पकाएंगे इसको? 10 मिनट तक उबाल आ जाएगा ना। हाँ जी, गाढ़ा होने लगेगा और फिर टाइम बंद कर देंगे। तो अभी इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, फिर उबाल आएगा, गाढ़ा हो जाएगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। फिलहाल इसे 10 मिनट तक हम पकाएंगे। ये यहाँ पे काजू डाल रहे हैं इसमें। बादाम भी डालेंगे भैया? हाँ, बादाम भी डालेंगे थोड़ी देर बाद।
ये गोला का बुरादा डाल रहे हैं, जो सूखा हुआ नारियल होता है गोला बोलते हैं उसे, उसका बुरादा डाला। ये कितना जाएगा भैया? ये तो 150 ग्राम डालते, 100 से 150 ग्राम इन्होंने डाला है गोले का बुरादा। ये देखो धीरे धीरे हमारा हलवा तैयार हो रहा है, टेक्सचर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, पहले बहुत ही लाइट था सूप की तरह दिख रहा था। अब भैया थोड़ा सा उठा के दिखाओगे? ये देखो अभी ये, और जितना आप इसको पकाते जाओगे उतना ये गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए अभी दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका टेक्सचर। और अभी यहाँ पे धूप है, लाइट की थोड़ा इशू है, उसकी वजह से आपको साफ दिख भी नहीं रहा होगा। एक बार ये पक जाएगा छाँव में रख के इसको बढ़िया से, तब दिखाऊंगा आपको मैं। फिर भी ये देखिए जितना आपको दिख सकता है, ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया है। यहाँ पर हलवे में दिख भी रहे हैं अलग से, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी दिख रहे हैं, काजू वगैरह। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा हलवा डन हो चुका है। इतने में आपको गैस बंद कर देनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ा आपको नहीं करना है, इतना पतला आपको रखना है हलवे के लिए। ये ऐसे देखिए ऊपर ऊपर बढ़िया तरीके से काजू वगैरह दिख रहे हैं, इतने में आपको रखना है। और ऊपर से डालना है फिर दोबारा गोले का बुरादा, ये डाल दिया इन्होंने, जो सूखा नारियल होता है वो कद्दूकस करा हुआ। ये लीजिए जी हमारा हलवा भी यहाँ पर डन हो चुका है। अभी साइड में इसकी फ़ोटो लेते हैं बढ़िया सी, इसको एक बार छाँव में रखता हूँ मैं पहले, फिर आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो भाई ये देखो यहाँ पे फाइनल हलवा हमारा रेडी हो चुका है। टेक्सचर देखो इसका, दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है घी की और हलवे की। तो यार ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।